हेलो एवरीवन, आई एम अपर्णा शर्मा। आज मैं आपको फैशन डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा होगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में फैशन डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के डिफरेंस के बारे में बताया है कि टेक्सटाइल डिज़ाइन में क्या होता है और फैशन डिज़ाइन में क्या होता है। अगर कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है तो वो मेरा वीडियो आप देखें, या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना चाहता है तो उसके डिफरेंस के बारे में मेरा पुराना वाला आप वीडियो देखें, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है। आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस तो बताऊंगी कि लाइक क्या होता है फैशन डिज़ाइन में और क्या होता है टेक्सटाइल डिज़ाइन में। डिज़ाइनर हर कोई बनना चाहता है, फैशन डिज़ाइनर बने या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनर बने, दोनों में ही स्कोप बहुत ज़्यादा है। फैशन डिज़ाइनर में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा स्कोप है एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनर का भी आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आप कुछ भी, आप कोई भी जो भी है करियर आप परस्यू कर सकते हैं मेरा पुराना वाला वीडियो देख के। तो अब आज मैं बताऊंगी डिफरेंस। जो डिफरेंस है फैशन डिज़ाइन में, हम ज़्यादातर कटिंग, स्टिचिंग, पैटर्न मेकिंग, स्टाइलिंग, कलर स्कीम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देखते हैं जब हमें कपड़ा मिल जाता है। हमारे पास, फैशन डिज़ाइनर के पास कपड़ा पहले से ही ऑलरेडी ही पड़ा होता है, तो उसको एक स्टाइलिंग करने के लिए, उसको कौन सा कलर चाहिए, कैसा फैब्रिक चाहिए, किस तरह की उसमें वीविंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो वो मार्केट से, वहाँ से परचेज करके वहाँ से लाता है फैब्रिक बना बनाया अपने लिए, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में कपड़ा पड़ा होता है। तो वो जो फैब्रिक्स हैं वो एक फैशन डिज़ाइनर अपने डिज़ाइनिंग के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से, अपना जो उसने इमेजिनेशन की हुई होती है कि कैसा गारमेंट होना चाहिए, मुझे कैसे कलर्स चाहिए, मुझे कैसे प्रिंट्स चाहिए, वो मार्केट में जाके वो चीज़ बाय कर लेता है और उसके बाद फैशन डिज़ाइनर उस चीज़ को गारमेंट बनाता है, स्टिच करता है, पैटर्न मेकिंग पैटर्न्स बनाता है, पैटर्न बना के कैसी पॉकेट होगी, कैसी स्लीव्स होंगी, कैसा उसका स्टाइल होगा, किस तरह के गारमेंट बनेगा, लॉन्ग बनेगा, किस तरह का बनेगा, वो सारा गारमेंट फैशन डिज़ाइनर जो है वो बनाता है। ये नहीं है कि फैशन डिज़ाइनिंग में आपको प्रिंटिंग वगैरह या और चीज़ें या ब्लॉक प्रिंटिंग या स्क्रीन प्रिंटिंग या एम्ब्रॉयडरी, ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती। उसमें भी होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि अगर उसने फैब्रिक प्लेन लेना है तो वो प्लेन बाय करके तो फैशन डिज़ाइनर अपने हिसाब से उसको प्रिंटिंग या एम्ब्रॉयडरी करवा सकता है। लेकिन जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है उसमें क्या करना होता है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर एक फैब्रिक को बनाता है, टेक्सटाइल को बनाता है, एक कपड़े को बनाता है जो कि फाइबर टू फैब्रिक है। फाइबर से फैब्रिक तक जो जो भी चीज़ें आती हैं वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर को सिखाई जाती हैं। फाइबर एक छोटा सा फाइबर है, फाइबर के बाद यार्न बनता है, यार्न के बाद फैब्रिक बनता है, तो वो जो फैब्रिक है वो कैसा बनेगा, उसमें प्रिंट होगा, उसमें एम्ब्रॉयडरी होगी, उसमें किस तरह का टेक्सचर होगा, उसका थ्रेड या यार्न कैसा होगा, ये सारा काम जो है वो डिज़ाइनर को सिखाया जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो एक डिज़ाइनर करता है। तो ये डिफरेंस मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो ये मेन जो डिफरेंस होता है टेक्सटाइल डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर का। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए आपको, तो इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है कि इसमें ज़्यादा फैशन में स्कोप है या टेक्सटाइल में स्कोप है, दोनों में ही फुल स्कोप होता है, कोई ऐसा नहीं है कि एक में है एक में नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहले आपने जब चूज़ करना है एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, बहुत ही अच्छी जगह से आप काम पढ़ें करें, क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं ये 3 इयर्स या 4 इयर्स के होते हैं। तो इन कोर्सेज में आपको डिटेल में नॉलेज दी जाती है, पहले आप जाके वहाँ से बड़े वाइजली, आप बड़े ध्यान से कोर्स को चुनें कि कौन सा कोर्स करना है और उसमें वहाँ पे वो क्या क्या करवाते हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप होती है कि नहीं होती, वो लोग इंटर्नशिप देते हैं कि नहीं देते, प्लेसमेंट्स होती हैं और प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ पे होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख के फिर आप अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट आप उसको चूज़ करें कि आपने किस में करना है। तो कई जगह इंटर्नशिप देते हैं, कई जगह आप लोगों को खुद से इंटर्न करना होता है, अपनी मर्ज़ी से करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो अगर आपने कोर्स कर लिया है, लास्ट ईयर जो होता है वहाँ पे इंटर्न होती है, चाहे वो फैशन डिज़ाइन हो चाहे वो टेक्सटाइल डिज़ाइन हो, तो लास्ट ईयर में इंटर्नशिप होती है। तो जो इंटर्नशिप होती है वो आपका एक जो फोकस देख के देते हैं कि इंटर्नशिप आपने कौन से सब्जेक्ट में करनी है। तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स फैशन में होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके टेक्सटाइल डिज़ाइन में होते हैं। तो फैशन डिज़ाइन में आपका बेसिक डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन एंड कलर स्कीम, कलर कंसेप्ट होता है,
और उसमें आपको इलस्ट्रेशंस होती हैं, उसमें इस तरह की डिज़ाइनिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपने DPM होता है, पैटर्न मेकिंग है, GC गारमेंट कंस्ट्रक्शन होती है, तो आपने स्टिच करने वाले किसी उसमें जाना है, इंटर्न में जाना है, आपने कोई DPM पैटर्न मेकिंग वाले में जाना है, कोई पैटर्न्स अलग अलग बना बना के देने हैं, या फिर आपने कोई स्टूडियो में जाना है जिसमें कि आपने देखना है कि स्टूडियो किस तरह का है, किस तरह से हम अपना बुटीक खोल सकते हैं, किस तरह से हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो अब या फिर आपने इलस्ट्रेटर बनना है क्योंकि आपको इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन फोटोशॉप और कॉरल ड्रॉ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो आपने कौन से फील्ड में इंटर्न करनी है, 3 साल तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मैं किस चीज़ में फोकस करूँ, क्योंकि सब स्टूडेंट्स तो एक ही चीज़, एक तरह के नहीं ना, कि कोई इलस्ट्रेशन करता है, किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि वो इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी कर रहा है, किसी की DPM पैटर्न मेकिंग बहुत अच्छी होती है, वो बड़ी अच्छी अच्छी स्लीव्स बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पॉकेट्स बनाते हैं, कॉलर्स बनाते हैं, प्लैकेट्स अलग अलग तरह के बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। तो वो अपने हिसाब से, फिर उसके बाद उसमें गारमेंट कंस्ट्रक्शन होती है, पैटर्न मेकिंग होती है, इलस्ट्रेशन होती है और स्टाइलिंग वगैरह होती है। अगर कोई स्टाइलिंग में बहुत अच्छा है, कलर कंसेप्ट में, तो वो कलरिंग, कलर स्कीम्स में आ सकता है, फैक्ट्री में जाके कलर स्कीम्स के बारे में नॉलेज दे सकता है, तो बहुत स्कोप है उसमें। तो फैशन में आपने क्या चूज़ करना है, 3 साल तक आपको आइडिया लग जाता है कि मैंने किस में इंटर्न करनी है। तो फैशन में जो इंटर्नशिप होती है वो कॉलेज वाले देते हैं, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में बाहर से लोग, अच्छी अच्छी कंपनी से, अच्छे अच्छे स्टूडियो से, अच्छे अच्छे ब्रांड्स से वो लोग आते हैं और इंटर्न के लिए स्टूडेंट्स का वहाँ पे इंटरव्यू किया जाता है। तो जो आपने ये ध्यान रखना है कि जो इंटरव्यू, ये मेरा जो वीडियो है ये लास्ट ईयर के, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी है कि वो फाइनल ईयर में किस तरह से अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें, पोर्टफोलियो अपना बनाएं। तो पोर्टफोलियोज जो हैं वो बाई हैंड भी बनते हैं और पोर्टफोलियोज जो हैं वो कंप्यूटर में भी आप फोटोशॉप के द्वारा वो भी बना सकते हैं। आप अपने हैंड से बने हुए जो पोर्ट्रेट वो होते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपकी शीट्स हैं, उनको आप पिक्चर क्लिक करके, स्कैन करके उसको भी आप उसमें कंप्यूटर में डाल के पेन ड्राइव में दिखा सकते हैं उनको कि ये देखिए ये इस तरह का पोर्टफोलियो है। तो नंबर वन, जिसमें आपने, जिस करियर में आपने आगे परस्यू करना है, जिसमें आपने इंटर्नशिप लेनी है, जिसमें आपने जाना है, उसके लिए आपको साल पहले ही फोकस करना है कि आपने कौन सी जगह जाना है, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें किस चीज़ का ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस होगा। अगर आपने किसी एम्ब्रॉयडरी फील्ड में जाना है तो उसमें आपके एम्ब्रॉयडरी के बहुत सारे, उसमें आपके शीट्स होनी चाहिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, बहुत सारी आपकी चीज़ें बनी होनी चाहिए। अगर आपको इलस्ट्रेशन में जाना है तो आपको इलस्ट्रेशन से रिगार्डिंग आपको बहुत सारा उसमें होना चाहिए। अगर किसी डिज़ाइनिंग में जाना है तो बेसिक डिज़ाइनिंग और आगे डिज़ाइन प्रोसेस, सारा किस तरह से प्रोसेस करते हैं डिज़ाइनिंग का, किस तरह से इमेजिन करते हैं, किस तरह से हम गारमेंट किस तरह से बन के निकलता है, तो वो सारा एक आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो आपके पास एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सा, बड़ा सा, बढ़िया सा एक होना चाहिए जिससे कि आप वहाँ पे दिखा सकें इंटरव्यू में। तो वो जहाँ जहाँ पे भी इंटर्न्स आते हैं इंटर्नशिप लेने के लिए, तो वो पोर्टफोलियो देख के, आपका इंटरव्यू लेके, तो कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देके आपने, तो वहाँ पे इंटर्न ले लेनी है। तो इंटर्नशिप अगर आपको मिल गई कहीं पे, इंटर्नशिप मिल जाती है, तो इंटर्नशिप करते करते समटाइम वहाँ पे ही प्लेसमेंट्स हो जाती हैं। तो सम जो इंटर्नशिप्स होती हैं बड़े बड़े ब्रांड्स में, वो लोग इंटर्नशिप के बाद आपको जो पैसे हैं, जैसे कि आपकी 2 मंथ्स की इंटर्नशिप है या 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है, तो वो साथ में आपको रेगुलर बेसिस पे आपको सैलरी भी देते हैं। तो समटाइम ऐसे भी होता है कि आप कहीं पे इंटर्न करने जाते हैं तो वो आपसे पैसा लेते हैं। तो ये 2 तरह की होती है। तो आपको जहाँ जाना है तो आप ये ना ध्यान दें कि मुझे देना पड़ा या मुझे मिल रहा है, आप सिर्फ काम पे फोकस करें कि मुझे 3 महीने की बहुत अच्छी जगह पे इंटर्न मिल गई है, और उसके बाद से प्लेसमेंट वहीं पे भी हो जाती है या फिर उसका एक एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, वो लोग एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देते हैं जिससे कि आपको प्लेसमेंट आगे मिल जाती है। तो इसमें जो सैलरी है वो आपकी सैलरी 40-50 हज़ार तक, 40-50 हज़ार तक सैलरी मिल जाती है आपको। और जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर को भी इसी तरह से, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, नेचर स्टडी है, बेसिक डिज़ाइनिंग है, उसमें आपकी स्केचिंग होती है, उसमें आपकी प्रिंटिंग होती है, उसमें आपको एम्ब्रॉयडरी सिखाई जाती है, उसमें आपका वीविंग का सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें
बाकी वैसे मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं सारे, और उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, उनकी शीट्स, उनके आइडियाज़ सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है वो देखता है 3 साल पढ़ने के बाद उसको एक फोकस हो जाता है कि नहीं, मेरा जो फोकस है, मुझे इंटरेस्ट है वीविंग में, तो वो वीविंग सेक्टर में जा सकता है। तो वीविंग में क्या होता है, फैब्रिक बनता है, फैब्रिक कैसे बनता है वो आपको कॉलेज में सिखाया जाता है। तो आपने जैकार्ड वाले उसमें जाना है, आपने सिंपल वीविंग में लूम्स जहाँ पे पावर लूम्स लगी हुई हैं वहाँ पे जाके डिज़ाइनिंग करनी है तो ये कर सकते हैं। उसमें एक डाइंग का सब्जेक्ट होता है जिसमें कि आपको डाइंग सिखाई जाती है। एक तो डाइंग होती है फैब्रिक बनने के बाद, जैसे कि टाई एंड डाई हो गई, या और तरह की डाइज होती हैं, कलर्ड कर दिया, नेचुरल डाइज होती हैं, या फिर ये वाली सिखाई जाती हैं, या फिर आपको कपड़ा बनने से पहले धागे अलग अलग डाई करके, तो उसमें जो जैसे लाइन वाली जो फैब्रिक्स होते हैं या चेक्स फैब्रिक्स होते हैं उसमें अलग अलग कलर के धागे डाई किए होते हैं, तो वो वाली डाइंग भी आपको सिखाई जाती है। तो आपने किसी डाइंग के उसमें जाना है, आपने किसी प्रिंटिंग के उसमें जाना है, तो आपको हर तरह की प्रिंटिंग भी सिखाई जाती है। डिजिटल प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, स्टेंसिल प्रिंटिंग, तो इस तरह की प्रिंटिंग के किसी उसमें जाना है तो भी आपको 3 साल में आपको आइडिया लग जाएगा। आपने किसी स्केचिंग वाले पार्ट में जाना है तो भी, आप एम्ब्रॉयडरी में जाना है, तो इस तरह से अलग अलग फैक्ट्रीज़ में भी जा सकते हैं। किसी फैक्ट्री में काम करना है तो ऑब्वियस ही है कि सबसे पहले तो इंटर्न जो है वो आपको टेक्सटाइल की इंटर्न तो आपको किसी फैक्ट्री में किसी इस तरह की जगह में ही करनी पड़ेगी, तो वो आप 3 साल कर लें, कैसे भी 3 महीने होती है, तो वो आप 3 महीने जैसे भी कर लेंगे, उसके बाद आपने वहीं पे इंटर्न के बाद प्लेसमेंट करनी है तो भी ठीक है, नहीं तो आप अपना ही अलग से आप इसमें कोई काम खोल सकते हैं, अपना एक काम कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट्स भी वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे होती हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी जगह पे तो आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आपको 50 to 60,000 सैलरी बड़े आराम से मिल जाती है। तो ये है कि अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, अगर आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, आपने हर साल आपने बहुत अच्छे से सीखा है, अपने पोर्टफोलियोज बहुत अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, तो आपको कोई टाइम नहीं लगता आपको प्लेसमेंट मिलने में तो क्विकली, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइनर्स हमारे यहाँ पे बहुत मतलब लाइक स्टूडेंट्स कम करते हैं डिज़ाइनिंग, ठीक है कि वो करके अपना स्टूडियो खोल लिया किसी ने ऐसे, तो अगर बिजनेस करेंगे, अगर आप अपना कुछ करेंगे, कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग का, कुछ स्क्रीन प्रिंटिंग का, कुछ अपना ही खोलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। जॉब करनी है तो आप उसमें जॉब भी कर सकते हैं, 40-50 हज़ार आपको जॉब के मिल जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, ठीक है, कि फैशन में क्या होता है और टेक्सटाइल में क्या होता है। आई होप आपको सारी इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई होगी, मैंने जितना कोशिश की आपको सारा समझ के, क्योंकि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इसके बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो आप मेरे प्लीज़ लास्ट वीडियोज़ भी देखिए, उसमें आपको प्रॉपर डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आगे वाले मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चल जाए, नोटिफिकेशन हो जाए। और थैंक यू वेरी मच।